Hi guys, to और आज के में हम बनाएंगे जैसे की आपको पता है हमारे पास अडविनो बोर्ड के डिफरेंट वेरियंट हैं तो आप आर्डविनो ओनो भी यूज कर सकते हैं आप अर्डविनो मेगा भी यूज कर सकते हैं आप अर्डविनो प्रो माइक्रो भी यूज कर सकते हैं लेकिन सेडियो आर्टविनो नेनो बस आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप आर्डविनो बोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें वो सारे के सारे पिन अवेलेबल हैं जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में डिफाइन किए हैं एंड गाइस इफ इनका हंड्रेड परसेंट डी आई वाई बेस्ड प्रोजेक्ट इन यू कैन यूज माय डिजाइन अर्डविनो प्रो माइक्रो एंड माई डिजाइन फाइव फोर एंड थ्री एम्स पावर सप्लाई तो अगर आप नहीं चाहते कि आप रेडीमेड अडविनो बोर्ड को यूज करें या फिर आप कोई रेडीमेड पावर सप्लाई को यूज करें तो फिर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये दो वीडियो जो हैं लाजमी देखें क्योंकि इन दो वीडियोस को देखने के बाद फिर आप अपना अडविना प्रो माइक्रो बना सकते हैं और आप अपनी फाइव फोर एन थ्री एम की पावर सप्लाई बना सकते हैं और फिर आप इससे डिफरेंट किस्म के ब्रेकआउट बोर्ड्स को जो है पावरअप कर सकते हैं और डिफरेंट सेंसर्स को भी पावरअप कर सकते हैं और अगर आप इस 5 वोल्ट एंड 3 एम्स की पावर सप्लाई को एक पीसीबी बोर्ड पे यूज करते हैं तो फिर आप अपना एक प्रोडक्ट बना सकते हैं एनीवे इन माय केस आई एम गोइंग टू यूज माय डिजाइन आर्डविनो नैनो डेवलपमेंट बोर्ड और जैसा कि मैंने कहा आप इसकी जगह पे जो और वर्जन है आर्मिनों के आप वो यूज कर सकते हैं बात जब सॉइल मोइस्चर सेंसर की सिलेक्शन की आती है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया उन लोगों ने कैपेसिटिव सॉइल मोइस्चर सेंसर को यूज़ करना है या फिर रेजिस्टिव टाइप सॉइल मोइस्चर सेंसर को यूज़ करना है द चॉइस बिटवीन अ कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर एंड अ रेजिस्टिव सॉइल मोइस्चर सेंसर डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन क्योंकि दोनों सेंसर्स के एडवांटेजेस भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं देखिए अगर मैं इन दोनों सेंसर्स की कंपैरिजन स्टार्ट कर दूं तो मुझे काफ़ी टाइम चाहिए होगा इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए पर ये काम मैंने ऑलरेडी कर लिया है आर्टिकल में तो अगर आप लोगों ने इनके बीच की कंपेरिजन्स को अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरे वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर आर्टिकल को रीड कर लें लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में एड कर लिया है लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर है वो बेस्ट है दैन द रेजिस्ट सॉइल मोइस्चर सेंसर क्योंकि ये सॉइल सेलिनिटी से लेस इफेक्ट होता है और इसकी रेंज भी ज़्यादा है और इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई सॉयल मोइस्चर सेंसर परचेज नहीं किया है तो आई एम गोना रिकमेंड के आप लोग कैपेटिव सॉइल मोइस्चरसेंसर परचेज करें एनी वेज सॉयल मोइस्चर सेंसर की सेलेक्शन के बाद नेक्स्ट आप लोगों को डिफरेंट मोइस्चर लेवल्स का पता होना चाहिए ट्रस्ट में अगर आप लोगों को सोयल मोइस्चर का नहीं पता कि किन प्लांट्स के लिए कितना सॉइल मोइस्चर मेंटेन करना है तो फिर आप लोगों का सॉइल मोइस्चर सेंसर को यूज़ करना बिल्कुल बेमानी है देखिए सॉइल मोइस्चर मॉनिटरिंग सिस्टम के बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमने प्लांट्स को टाइम पे पानी देना है एंड एन अराइटफुल क्वांटिटी अगर सॉइल मोइस्चर बहुत कम है तो भी प्लांट्स जो है डैमेज हो सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा है तब भी जो है प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं ज़्यादातर प्लांट्स के लिए 20 टू 60 परसेंट मॉइस्चर लेवल चाहिए होता है उनको अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए अगर ये मॉइस्चर लेवल 60 परसेंट से इंक्रीज करता है तो फिर हाई चांसेस है कि वो प्लांट्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं और ये जो सिक्सटी परसेंट लिमिट है इट मे वेरी कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स हैं ट्रीज हैं एंड श्रब्स रिक्वायर मॉइस्चर लेवल्स बिटवीन ट्वेंटी टू फोटी परसेंट While, if you are dealing with vegetables, then you need to maintain soil moisture between 40% to 80%. So, for the sake of this video, I'm going to select 40 to 80% of the soil moisture level. And I think I have shared enough useful information with you guys. So, without any further delay, let's get started. यह है कि बेस्ट सॉइल मैचर सेंसर V2.0 लेकिन इसकी जगह पे आप V1.0 मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं V2.0 जो है अपडेटेड वर्जन है V1.0 मॉडल का विद सेवरल इंप्रूवमेंट्स इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ऑलरेडी मैंने आर्टिकल में एक्सप्लेन कर दिया है इस सेंसर की एक बात जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो ये है कि इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स लगे हैं दोज और फुली एक्सपोज तो अगर इन पे पानी गिरता है तो इस सेंसर के खराब होने के काफी चांसेस है और यही वजह है कि यह सेंसर काफी सस्ता है लेकिन इस सेंसर के कुछ और वेरियंट हैं जिसमें वाटर प्रूफ है तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं द्री वायर येड एंड ब्लैक और क्लियर लेबल्ड इज द एग आउटपुट वायर वी सी सी एंड ग्राउंड सो दलो वायर विच इज दॉक आउटपुट वायर शुड बी कनेक्टेड टू दॉक पेन ऑफ दोलर बोर्ड ये जो तो सेंसर से है इट एक्सेप्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेजेस और इसकी वजह से आप इसको 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं लाइक आर्ट वे नो ईस 32, ए टू एंड लॉट्स ऑफ अदर कंट्रोलर बोर्ड्स इफ यू वांट टू नो मो अबाउट इट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड थ्योरी ऑफ ऑपरेशन दें यू शुड रीड माई आर्टिकल अवेलेबल ऑन electronicclinic.com. क्लिनिक डॉट कॉम आई एडेड इन द डिस्क्रिप्शन तो जिसके आप देख सकते हैं यह है सर के डाइग्राम और मॉइस्चर सेंसर का जो एन पिन है ये कनेक्टेड है आठविनो नैनो के ए ज़ीरो पिन के साथ और इसके जो प्लस और माइनस पिन हैं ये कनेक्टेड हैं फाइव फोल्ड और ग्राउंड पिनस के साथ ये है फाइव फोल्ड रेगुलेटेड पावर सप्लाई तो अगर आप ये रेगुलेटेड फाइव फोल्ड पावर सप्लाई यूज़ नहीं करते तो फिर आप लोग इसके प्लस और माइनस पिनस को आठवीनो नैनो के फाइव फोल्ड और ग्राउंड पिनस के साथ लगा सकते हैं यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यह है एस एस डी थर्टीन जीरो सिक्स ओ एल ई डी डिस्प्ले मॉड्यूल और इसके जो वी सी सी और ग्राउंड पेंस हैं ये कनेक्टेड है थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट और ग्राउंड पेंस के साथ अगर आप चाहें तो आप इसका जो वी डी डी का पिन है ये आप लोग फाइव वोल्ट के साथ भी लगा सकते हैं इसके अलावा इसके जो एस सी एल और एस डी ए पेन्े आरवी नो निनो के ए फोर और ए फाइफ पेंस के साथ कनेक्टेड हैं ए फोर एस डी ए है और ए फाइफ एस सी एल है और ये है फाइव फोल्ट बज़र इसका जो रेड वायर है ये कनेक्टेड है फाइव फोल्ट के साथ और इसका जो ग्राउंड वायर है ये टू एन टू 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 एन पी एन ट्रांसस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है और इस ट्रांजिस्टर का जो एमिटर लेग है ये कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ अब बेस के साथ मैंने टेन किलो ओम का रजिस्टर लगाया है और फिर ये आगे जाके कनेक्टेड है डी फो पिन के साथ तो मैं ऑडविनो नैनो पे डी फो पिन यूज़ करता हूँ इस बज़र को कंट्रोल करने के लिए मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड कराता चलूँ कि ये जो फाइव फोल्ट की रेगुलेटर पावर सप्लाई है ये ऑप्शनल है तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्यूटर की मदद से पावर अप करना चाहते हैं या अपने लैपटॉप की मदद से पावर अप करना चाहते हैं तो फिर आपको इस पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सटर्नली पावर अप करना चाहते हैं तो आई एम गोना रिकमेंड के आप लोग लाजमी ये वाला जो सर्किट है आप लोग ये ऐड करें और अगर आप जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो फिर आप मेरी डिज़ाइन को ही फाइव फोल्ड एंड थ्री एम्स की पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं तो ये है सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रोग्राम और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोग्राम जो है काफ़ी छोटा सा है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने इन लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है तो आप ये लाइब्रेरीज़ जो हैं मेरे आर्टिकल से डाउनलोड कर सकते हैं तो इस प्रोग्राम में एज एस सच ऐसा कुछ भी नहीं है डिफ़िकल्ट अब ये वाले जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हैं ओ एल डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए और अगर हम वर्ल्ड लूप फंक्शन में चलते हैं तो आप देख सकते हैं मैं सिंपली सेंस को रीड करता हूँ और उसकी वैल्यू को मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ उसके बाद फिर मैं आ, इस वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पे सेंड करता हूँ तो ये जस्ट मैं डीबकिंग प्रोपस के लिए करता हूँ जब मुझे चेक करना होता है कि आया प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं कर रहा तो अगर आप लोगों ने वैल्यूज़ को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट नहीं करना देन देर इज़ नो नीड टू यूज़ दिस इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं मैंने वैल्यूज़ को जो है वो मेप कर लिया है क्योंकि मैं ओ एल डिस्प्ले मारयू पे जो मॉइस्चर की वैल्यू है वो परसेंटेज में डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं जीरो टू हंड्रेड परसेंट की वैल्यू मैंने यूज़ की है इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं ये मैं यूज़ करता हूँ ओ एल डिस्प्ले मॉड्यूल पे प्रिंटिंग के लिए और यहाँ पे मैंने डिले यूज़ किया है वन सेकेंड का यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इफ़ कंडीशन को यूज़ कर रहा हूँ जब सॉइल मॉइस्चर जो है फोर्टी परसेंट से नीचे हो तो बज़र जो है वो ऑन और ऑफ होना स्टार्ट कर लेता है तो बहुत ही सा प्रोग्राम है मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर लिया है सो लेट्स स्को हेड एंड दिस प्रोजेक्ट एक्शन